मस्जिद में बुलावा आ गया, हय्याले सला आओ नमाज के लिए, हय्याले फला आओ कामयाबी की तरह। लेकिन आज का मुसलमान बस से मस्त नहीं हो रहा, आजान की आवाज मुसलमान के कान के अंदर चली गई, लेकिन मुसलमान को एहसास नहीं हुआ कि अल्लाह का मुझे बुलावा आ रहा है, कि अल्लाह का मुझे हुक्म अदा करना। जब नमाज का वक्त होता था तो उसके चेहरे का रंग जो होता वो सुर्ख हो जाता। एक मर्तबा सहाबा ने पूछा, ए अली ये क्या मामला, जब भी आजान होती, जब भी नमाज का वक्त हो रहा आपके चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे अल्लाह का हक अदा करना है, क्या पता ये हक जो है मुझसे अच्छी तरीके से अदा होगा या नहीं। इतना खौफ था उनके दिलों के अंदर, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा को भी दुनिया के अंदर बशारत दी कि कहा मेरे सहाबो तुम भी जन्नती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मेरे सहाबे ऐसे हैं जैसे आसमान पे सितारे चमकते हैं, उसी तरह मेरे सहाबा। और सहाबा से कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, हे मेरे सहाबो आप मुझसे राजी हो जाओ, मैं तुमसे राजी हो जाओ। जब भी नमाज का वक्त आता था तो सहाबों का बदन काँप जाता। खुद तसव्वुर करो, हम घर में बैठ के मस्जिद के अंसारी में रहकर भी हम नमाजे तरह कर रहे हैं, क्या इसी चीज का नाम मुसलमान है? क्या मजहब यही इसी चीज की तालीम दे रहा? तो मुसलमानी उस चीज का नाम है, उस शख्स का नाम मुसलमान है जो अल्लाह के अहकाम को पूरा करता। मुसलमान को पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे ऊपर 5 मुकर्रर नमाजें फर्ज कर दी। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, मुकर्रर वक्तों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुसलमान के ऊपर 5 नमाजें फर्ज कर दी। क्या कोई है हम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं? नमाज के अंदर भी जब नमाज स्टार्ट करते गोया हमने तकबीर तहरीम बांध दिया, अल्लाह अकबर की हाथ दोनों बांध दिए, गोया हमारा दिमाग जो है बाजार का चक्कर काट गया, हमारा दिमाग घर में होता। मुसलमान को यह तसव्वुर नहीं होता कि अल्लाह के सामने अल्लाह की बंदगी के लिए मैं आया हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है। इस तसव्वुर से नहीं बल्कि इंसान दिखावा के लिए मशीन में आकर अल्लाह अकबर के अंदर हाथ दोनों बांध दिया, वहां से अपने दुकानों का हिसाब कर रहा है, वहां से सोच रहा है नमाज के बाद मैं कहां चले जाऊं, मैं क्या करूं। दिल के अंदर इंसान के यही ख्याल आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया के अंदर इसलिए भेजा है ताकि हम क्या करें, अल्लाह की बंदगी करें, हम अल्लाह की इबादत करेंगे। अगर हम अल्लाह के बागी हो जाएंगे तो अल्लाह की जात के अंदर कुछ कम नहीं आएगा, अल्लाह की बादशाहत के अंदर कुछ कमी नहीं आएगी। बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन इंसान ये सोच लेना चाहिए कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ तो ये मैं अपने आप के लिए खसारा कर रहा हूँ, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा हूँ। बुजुर्ग और दोस्तों, बगैर मकसद के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर कोई भी चीज हत्ता की घास का तिनका तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर मकसद के लिए दुनिया के अंदर पैदा नहीं किया। हर चीज के पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकसद रखा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अशरफुल मखलूकात यानी तमाम मखलूक से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इंसान का दर्जा दिया। इंसान को सोच लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा हम तो किस लिए भेजा। खुद सोचो कितनी गफलत कर रहे हैं हम, हर चीज में इस्लाम की
جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم ہزار بھی خوب آ جاتے ہیں. کیا اسی چیز کا نام مسلمان؟ کیا ہمارا مذہب یہی سکھا رہا ہے؟ ہمارا مذہب یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. ہاں ہمیں حکم ہے.